इमेजिन उस तैयारी के थे, उस पूरी तरह से एक तरह से मुकाम हासिल करने के थे, उन इलाकों को खोजने के थे जो ईरान को नुकसान ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सके, और इसी रणनीति के तहत 25 दिन बाद यह अटैक हुआ है। चलिए अब आपको डिटेल दे देते हैं, ये जो 25 दिन बाद अटैक हुआ है, क्या रणनीति आखिर बनाई थी, क्या प्लान ऑफ एक्शन था जिसको लेकर इतनी लंबी तैयारी करनी पड़ी है, अब आपको बताने जा रहे हैं। चलिए डिटेल आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। आपको बताएं, इसराइल ने 1 अक्टूबर को हुए हमले का सीधा बदला ले लिया, जी हाँ बदला ले लिया है, और इसके लिए रणनीति बनाई है। ईरान के 10 सैन्य ठिकाने जहां से प्रॉक्सीज चलते थे, उन्हें शनिवार तड़के 2:30 बजे से करीब 5 बजे के बीच 2.5 घंटे में ये पूरा खेल हुआ है, ये आपको हम बता रहे हैं। करीब 100 फाइटर जेट्स थे जिन्होंने ईरान पर एक एक जगह पर पिन पॉइंट प्रिसीजन अटैक्स किए हैं, और इन अटैक से ईरान दहल गया है, वहां पूरा जो महकमा है वो हिल गया है। हमले के वक्त वॉर रूम में आपको बताएं नेतन्याहू मौजूद थे, खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, एक एक चीज खुद देख रहे थे कि क्या हो रहा है। हमले से पहले व्हाइट हाउस को भी जानकारी, यानी अमेरिका को जानकारी पहुंचा दी गई थी कि अब अटैक कर रहे हैं, अब हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, यानी पूरा प्लान ऑफ एक्शन बनाकर पूरी तैयारी करके नेतन्याहू के पूरी लीडरशिप में ये सब कुछ हुआ है। IDF प्रवक्ता ने खुद हमले की पुष्टि की, उनकी तरफ से बयान आया और कहा कि इसराइल हमले और बचाव के लिए तैयार है, यानी इसराइल ने अटैक तो कर दिया और यह भी कह दिया कि अब जो करना है कर लो, हमने तो कर दिया अटैक। ईरान और उसके सहयोगियों पर IDF की पैनी निगाहें हैं। IDF ने फिर से अटैक के बाद भी वार्निंग दे दी है। इस वार्निंग का मतलब ईरान के जो टॉप लीडरशिप है वो समझने की कोशिश कर रही है। डैनियल हगारी ने यह कह दिया है कि हमने अटैक कर दिया है, और इसराइल के लोगों को सचेत भी कर दिया है, सतर्क भी कर दिया है। सुनिए खुद That we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. And we are prepared on offense and defense to defend the state of Israel and the people of Israel. और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कहां कहां कैसे अटैक हुए। देखिए 5 शहर हैं, इन 5 शहरों को निशाना बनाया गया, अब जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, ये ग्राफिक्स देखिएगा। देखिए ईरान के अलग अलग इलाकों में, सबसे पहले तेहरान जो इसकी राजधानी है ईरान की, वहां अटैक किया गया। करज को बहुत रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट माना जाता है, वहां भी अटैक किया गया। इसके अलावा और कौन से इलाके थे, मसाद, ये वो सैन्य ठिकाने हैं जहां पर तमाम आर्म्स और एम्युनेशंस रखे गए थे ईरान में, कौम और सिराज, ये सारे इलाके तेहरान के अलावा जहां सैन्य ठिकाने थे, तेहरान तो राजधानी है तो वहां पर तो चोट करनी ही थी इसराइल को, और इसके अलावा इन इलाकों पर चोट करके इसराइल ने सीधा सीधा मैसेज दे दिया, बता दिया है कि हम कमजोर कर सकते हैं कहीं पर भी आप हो। 20 ठिकाने ऐसे थे जहां पर आपको बताएं कि लगातार सिलसिलेवार तरीके से अटैक किए गए हैं, और ईरान देखता रह गया, ईरान को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि ये देखिए, ये आप जो इलाके देख रहे हैं, यहाँ पर सैन्य बेसिस थे, मिलिट्री बेसिस थे। गनीमत ये रही कि ऑयल जो इनके टैंकर्स हैं वहाँ पर, ऑयल रिफाइनरीज पर नहीं हमला किया गया, गनीमत ये रही। न्यूक्लियर इलाकों में हमला नहीं किया गया, गनीमत ये रही। लेकिन मैसेज इसराइल ने दे दिया है, IDF ने दे दिया है कि आप जहाँ भी होंगे, पहले भी IDF ये कहती रही है कि जहां होंगे वहां घुसकर मारेंगे, और वैसा ही होता दिखाई दिया। और चलिए एक बार तस्वीर आपको जरा दिखाते हैं, और ये लेबनन की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं कि इसराइल अलग अलग मोर्चों पर लगातार हमले कर रहा है। एक तरह से हर तरफ से घिरे इसराइल को कमजोर कर पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। और यही तस्वीर लेबनन से भी सामने आई, जहां आप देख पा रहे हैं कि जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर अटैक हुआ है। ये आपको एरियल फुटेज दिखा रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं कि कैसे कौन से फाइटर जेट्स का इस्तेमाल इसराइल ने किया है इस हमले के लिए। जब हम आपको कह रहे हैं कि 100 विमान अचानक घुस जाते हैं ईरान में, तो ये कैसे संभव हो पाया, और वो फाइटर जेट्स कौन से थे, क्या उन्हें मॉडिफाई किया गया, इसराइल ने उन्हें अपग्रेड किया, इन तमाम सवालों का जवाब अब आपको देने जा रहे हैं। क्योंकि इसराइल के पास जो फाइटर जेट्स हैं वो अमेरिका से ही खरीदे हुए हैं, जी हाँ। लेकिन आपको बताएं कि F-15 F-16 विमान हैं जिनका इस्तेमाल यहां पर इस अटैक के लिए किया गया है, और F-35 जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है।
स्टील्थ फाइटर जेट है जो खरीदे गए थे अमेरिका से। ये तीनों फाइटर जेट 15, 16 और F-35 ये अमेरिका से लिए गए हैं, लेकिन इसराइल ने उन्हें उसी कंडीशन में यूज नहीं किया है। इन विमानों को अपने देश में इसराइल ने अपग्रेड किया है, एडवांस किया है, उन्हें बेटर बनाया है। जी हाँ, F-35 के इंधन टैंक को इसराइल ने इससे अपग्रेड कर दिया, इसे बेटर किया है, इसकी जो टेक्निकली एडवांस किया है, जो और ज्यादा घातक इसे बना रहा है। ईरान पर हुए एयर स्ट्राइक में F-35 की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका, सबसे अहम भूमिका बताई जा रही है। इसराइल के जेट में घातक मिसाइल लॉन्चर्स मौजूद हैं। जी हाँ, मिसाइल लॉन्चर्स जो अलग अलग इलाकों को प्रिसाइसली टारगेट करते हैं, लंबी दूरों की मिसाइलों को लॉन्च करने की इनमें क्षमता है। और ये समझिए कि एयर टू लैंड ये सीधा अटैक कर सकते हैं, ईरान सीमा के बाहर से सटीक हमला करने में सक्षम है, यानी उन्हें सीमा के अंदर भी नहीं जाना है, और वो ऊपर से हवाई अटैक जो करेंगे वो उस निशाने पर जहां उन्हें पिन पॉइंट अटैक करना है वहां पर सीधा नुकसान पहुंचाएंगे। रैम्पेज मिसाइल को एयर टू लैंड हमले के लिए विकसित किया गया है, जो मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि ये जो फाइटर जेट्स हैं उन्हें ईरान की सीमा में जाने की भी जरूरत नहीं थी, वो बाहर से ही इन मिसाइलों का इस्तेमाल करके एक तरह से पूरा खेल बदल सकते थे, और वही होता दिखाई भी दिया है। चलिए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि आखिर ये जो 100 फाइटर जेट्स हैं इनका इस्तेमाल हुआ कैसे है और क्या क्या एक पूरा तरीका फॉलो किया गया है। चलिए जानकारी आपके सामने हम रखें, जानकारी आपके सामने रखेंगे। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं हमारे साथ, इस जानकारी को समझाने के लिए विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेंगे। देवनाथ सर, ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, आपका पहले बहुत स्वागत है प्रहार में, और आपको ये तस्वीर हम समझना चाहेंगे। ये जो EW एयरक्राफ्ट है सर, EW एयरक्राफ्ट जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये सारे जो सिग्नल्स हैं उनको अब्सॉर्ब कर लेता है और पूरा मौका देता है, कैसे इनकी मदद से अटैक किया गया है जरा आप जरा दर्शकों को समझाएं। सलोनी, जब भी इजराइल से कोई फाइटर विमान अभी F-35 हमला करने के लिए ईरान की तरफ जाएगा, ईरान ने अपने एयर डिफेंस रडार्स को ऑन किया है जिससे कि वो सर्विलेंस कर रहे हैं, और इस सर्विलेंस के दौरान ये देखना पड़ेगा कि ईरान के जो रडार हैं वो इजराइल के जो फाइटर विमान हैं उनकी तरफ भेज रहे हैं विकिरण। वो जो विकिरण है उनको ये इजराइल एयरफोर्स का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है ये उसको जैम कर देता है, तो जो ईरान के जो रडार हैं, मिसाइल गाइडेंस रडार हैं, वो ब्लाइंड हो जाते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि इस युद्ध में सबसे शानदार जो यूज हुआ है वो है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का, जो F-35 इजराइल ने। हम आगे समझाएंगे सर, लेकिन हम वो ये समझना चाह रहे हैं, एक बार तस्वीर दिखाएंगे दर्शकों को, देखिए ये एनिमेशन देखिए, ये EW एयरक्राफ्ट है जो कि सर समझाना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, और ये सिर्फ इसलिए आया था इन 100 विमानों के साथ जिससे कि जो रडार सिस्टम है, क्योंकि आप समझिए कि हर देश का अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, यहां हम दिखा भी रहे हैं, ईरान का भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको अगर वो रीड कर ले कि इतने एयरक्राफ्ट आ रहे तो बहुत नुकसान पहुंच सकता था, और यही वजह है सर कि इसका इस्तेमाल कैसे किया गया जरा आप समझाइए। देखिए, जो ईरान के एयर डिफेंस रडार हैं ये एक तरंगों को छोड़ते हैं, फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हैं, जो कि इजराइल के फाइटर विमान से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। जब वो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं तभी इनके जो रडार हैं वो अपने मिसाइल गाइडेंस को ऑन करके मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। इजराइल ने क्या किया, अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है आप देख सकते हैं उसके ऊपर एक रेडोम है, उसके ऊपर एक ये जो गोल देख रहे हैं इसको रेडोम बोला जाता है, घूमने वाला रेडार, वह उसमें से तरंगे छोड़कर इस रेडार को, ईरान के रेडार को जैम कर देता है, तो ये ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है, इसको दिखाई नहीं देता। एक और चीज जो देखनी पड़ेगी कि जब ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट आसमान में जो F-35 आ रहे हैं ये उनको F-35 को गाइड करता है टारगेट तक, जो फिर से दिखा रहे हैं ये EW एयरक्राफ्ट आता है, रडार को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेता है, और ये देखिए ये फाइटर जेट जा रहे हैं ईरान में बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक रडार को, दुश्मन के रडार को, दुश्मन का जो रडार है वो जो तरंगे भेजता है, EW एयरक्राफ्ट जब उसको जैम करता है तो दुश्मन जो है अपने आप को लाचार महसूस करता है, हेल्पलेस महसूस करता है, क्योंकि दुश्मन को F-35, ईरान के जो एयर डिफेंस कमांडर हैं उनको F-35 आसमान में नहीं दिखाई देता, F-15, F-16 आसमान में नहीं दिखाई देते, तो उनको समझ नहीं आता कि क्या टैक्टिकल एक्शन लें, किस तरह से किस एयर डिफेंस मिसाइल को लॉन्च करें। जी बिल्कुल, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, और ये एनिमेशन इसीलिए दिखा रहे हैं जिससे कि आप सिलसिलेवार तरीके से डिटेल समझ पाए, लेकिन